देखिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमको यू का सर्टिफिकेट मिला, यहाँ पर यूए मिला और पाकिस्तान ने हमको यू सर्टिफिकेट दिया. वेरी कमेंडेबल. आई मीन इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म. वहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं कि इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म टुवर्ड्स द बॉन्डिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान टू गेट रिलेशनशिप बेटर. आपको क्या ईदी मिली है और आप आज तक की सबसे मेमोरेबल बस यही है कि सब लोगों ने पिक्चर अप्रिशिएट की है. पिक्चर इज डूइंग रियली वेल एंड बहुत अरसे के बाद थिएटर में जाके लोग रोए हैं खुशी के आंसू. एंड आई थिंक बिग अचीवमेंट. सोचने दो सर, सोचने दो. अभी पहले तो वह था कि लेना पसंद करते थे, देना शायद पसंद नहीं करते लेकिन देना पड़ता है आजकल. छोटों को देना पड़ता है और अभी इतने बड़े रहे नहीं हमसे जो उनसे ईदी ले सके. See, people to people friendship is what we're talking about. We're not talking about politicians, we're not talking about the armed forces. And that is the point of the film, that politics is a different level. The armies will always be posturing against each other, but that should not prevent people to people contact and people to people friendship. And that's what the film is about. It's not about politics. It's about a common man of the streets of old Delhi getting up because he wants to take this girl back home, and how he encounters the common man of Pakistan who we never see. We never see in our news, we never see the common man of Pakistan. We only see the posturing of the politicians and of the military heads. So the whole film is that it's beyond that. It's about people to people friendship. The people there also suffering only, no? Yeah. The people there are suffering. I mean, our films go there, they like our films, you know. Cricket chal rahi, buses chal rahe, trains chal rahe, planes chal rahe, you know. Visa stamp ho rahe aur phir ek jagah yahan par ho. Ya to ye band kar do ya to wo band karo. You know, trading shuru ho gayi. So we just say, this film is they are on there. I mean, they're exactly the same. This film is basically ki upar wale ne insaan banaya, humans banaya. Aur hum log wahi kar rahe hain. And they were one country. Even the way we've shot, actually we've just followed a line along the border. So we literally kept shooting from all the way from Rajasthan through Punjab and into Kashmir, literally being just 100 kilometers off the border. So there was, you know, as creatively also, there was never any confusion that are we representing it visually in a different manner, because we were just 100 kilometers off the border all the time. Sometimes even less than that. Sometimes we were as close as 5 kilometers from the border. नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई वी कुडंट ट्रैक हिम डाउन. लेकिन हाँ, चांद नवाब का वीडियो जब मैंने देखा था तो वायरल हुआ था 4 साल पहले. तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था, आई न्यू कि कभी ना कभी ये कैरेक्टर मैं किसी फिल्म में लाऊंगा. तो जब मैं लिख रहा था स्क्रीन प्ले बजरंगी भाईजान का, आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर इन. सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नवाजुद्दीन रोल इन द फिल्म इज दैट वीडियो एट द रेलवे स्टेशन. अति फैमिलीज कर रही हैं, फैमिलीज कर रही हैं. मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा. सलमान खान प्रोडक्शंस की पहली फिल्म है. जब भी आप फिल्म करते हैं आप खुशी तो होती ही, फिल्म चलती है लेकिन इसमें दोहरी खुशी है. जी हाँ, वो तो होगी कि एक तो अप्रिशिएट हुई है, सबका काम अप्रिशिएट हुआ है. फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन है. हमें उससे तो ज़्यादा खुशी हुई है कि जैसे कि अगर पिक्चर नहीं चलती तो बिन अ बिग प्रॉब्लम. बट ये सोच समझ के लिया था ये प्रोजेक्ट के, यू नो, कि जब हमको स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर इतना पसंद आया है, यू नो, स्क्रिप्ट इज सो अमेजिंग के दिस फिल्म वी वर ऑलमोस्ट श्योर दैट इज गोइंग टू डू वेल. अब कितना अच्छा करेगी ये कोई अंदाजा नहीं, बट वो कि जब भी ये पिक्चर टीवी पर आए, सैटेलाइट पर आए, लोग बैठ के पिक्चर देखेंगे एंड दे विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म. को ये थिएटर का रन तो थिएटर का रन है, बट इट डजंट स्टॉप हियर, इट गोज ऑन टू टेलीविजन. और जब जब टेलीविजन पे आएगी फिल्म, ये
एक जनरेशन को अच्छा सिखा के ही जाएगी। बस अभी हीरो है, हीरो है, उसके बाद देखेंगे क्या। हाँ तो करेंगे, नंबर्स तो हर चीज में मैटर करते हैं। जितना मिल जाए माई बाप देते हैं उतना ठीक है। थैंक यू। क्या किसके और कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ वो कश्मीर में, वो आपने फॉलोअप स्टोरी देखा था कि इट वॉज अ रॉन्ग स्टोरी, तो उसको यू नॉट फॉलोइंग द न्यूज ऑब्वियसली। आईसिस के झंडे उन्होंने क्लेम किया था, बाद में दे रियलाइज दे वर नॉट आईसिस झंडा। फॉलो द न्यूज ना, आप अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो फैक्ट्स। मजबूत लाइन।